ये कहानी है 17वीं सदी के भारत के सबसे अमीर शहर सूरत और उस समय के दुनिया के सबसे अमीर इंसान विरजी वोरा के बारे में। हे दोस्तों, आप 21वीं सदी के सबसे अमीर लोगों का नाम तो जानते ही, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या फिर जेफ बेजोस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 17वीं सदी के दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बारे में। ये कहानी है भारत के इतिहास के सबसे अमीर इंसान विरजी वोरा के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार वो उस समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। विरजी का जन्म 1590 में सूरत के हिंदू ओसवाल परिवार में हुआ था। विरजी के पिता सूरत में मसाला व्यापारी थे। अपने बचपन के ही दिनों में विरजी ने अपने पिता के साथ बिजनेस की बारीकियां सीखना शुरू कर दिया। विरजी मसालों के समय में उसे बड़े कम दाम में खरीदता था और ऑफ सीजन में उसे विदेश में बड़े ऊंचे दाम में बेच देता था। इस तरह वो बड़ा सा मुनाफा कमाने लगा। विरजी ने कई बिजनेस सीखे, उसमें निवेश किया और उसे बड़ा बनाया। सूरत पोर्ट सन 1610। विरजी अपनी मेहनत, प्रबंधन, बड़े फैसलों और साहसिकता की वजह से अब एक बड़ा व्यापारी बन गया। विरजी की आइडियोलॉजी थी बड़ा सोचो और उसे और बड़ा बनाओ। विरजी की जीवन शैली अब एक राजा की तरह थी। उसके कई महल थे, एक छोटी सी सेना थी जिसमें कई हाथी और घोड़े शामिल थे। विरजी हमेशा वही बिजनेस करता था जिसमें उसकी मोनोपोली रहती थी। वो मसाले, कपास, रेशम, चाय, सोना, धातु और अफीम का होलसेल बिजनेस करता था। विरजी ने अपने खुद की एक बैंक बना के रखी हुई थी जिसमें वो अमीरों को लोन देता था। विरजी का बिजनेस पूरे भारत और विश्व के कई देशों तक फैला हुआ था। पूरे भारत में उसकी कई शाखाएं और एजेंट फैले हुए थे, जैसे आगरा, मुंबई, बुरहानपुर, बिहार, कालीकट, गोवा, गोलकोंडा, अहमदाबाद, बड़ौदा और बरौदा। विरजी के पास उसके कई बड़े जहाज थे और वो पर्शिया, खाड़ी, रेड सी, अरब, यूरोप और चीन तक सफर तय करते थे। सूरत के पास सुवाली के पास उसने एक बड़ा सा शिपयार्ड बनाया हुआ था। विरजी उस समय के दौरान मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होने वाले कई सौदों में वार्ताकार था और मध्यस्थी था। इसमें भी वो बहुत सा मुनाफा कमाता था। विरजी 17वीं सदी का सबसे बड़ा फाइनेंसर था। वो मुगल, कई बड़े व्यापारियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े सौदों को फाइनेंस करता था और उसमें हर महीने 1 से 1.5% ब्याज वसूलता था। उस समय विरजी की कुल संपत्ति करीबन 80 लाख रुपये थी, जो आज के समय में खरबों होती थी। विरजी को उस समय लोग मर्चेंट प्रिंस और प्लूटोक्रेट के नाम से जानते थे। 17वीं सदी में ऐसी कई मोनोपोली वाली चीजें थी जिसे सिर्फ विरजी ही उसे यूरोप के बाजार में बेचता था। यूरोप के बिजनेस में भी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी पीछे छोड़ा था। विरजी की बाजार पर पकड़ और व्यावसायिक समझ बेमिसाल थी। एक बार अंग्रेजों को काले मिर्च का बड़ा स्टॉक खरीदना था। वो विरजी के पास आए और 16 पॉइंट प्रति मोन का भाव ऑफर किया, जबकि विरजी ने उनसे 18 पॉइंट प्रति मोन का भाव डिमांड किया था। अंग्रेजों ने वो भाव देने से मना कर दिया और अपने कुछ लोगों को दक्षिण भारत काली मिर्च खरीदने के लिए भेज दिया। जब विरजी को ये बात का पता चला कि अंग्रेज सीधे बाजार से काली मिर्च खरीद रहे हैं, तो उसने अपने दक्षिण भारत के सभी एजेंट को बाजार से सभी मिर्च थोड़े ऊंचे दाम में खरीद लेने को कह दिया। इस तरह अंग्रेजों को बाजार से कोई स्टॉक नहीं मिला। आखिरकार उन्हें विरजी से ही ये स्टॉक बड़े ऊंचे दाम में खरीदना पड़ा। विरजी बिजनेसमैन के साथ एक बड़ा दानवीर था। वो हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। 17वीं सदी में सूरत भारत का सबसे अमीर शहर हुआ करता था। इसी वजह से शिवाजी ने 2 बार सन 1664 और सन 1670 में सूरत पर हमला किया और विरजी की बड़ी संपत्ति लूटी। शिवाजी ने पहली बार सन 1664 में सूरत पर हमला किया और पूरे सूरत में तबाही मचाई थी। शिवाजी के सैनिकों ने विरजी के महल और गोदामों में आग लगा दी थी और विरजी के लाखों रुपए, हीरा जवाहरात लूट के ले गए थे। इस हमले में विरजी को काफी वित्तीय नुकसान हुआ था। हालांकि उसकी संपत्ति पूरे भारत में फैली हुई थी,
इस वजह से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सन 1670 में शिवाजी ने सूरत पर दूसरा हमला किया था और इस बार भी उसने विरजी की संपत्ति भारी मात्रा में लूटी थी। शिवाजी का यह हमला सूरत की वैभवता और विरजी के साम्राज्य दोनों के लिए घातक साबित हुआ। उसी साल सन 1670 में विरजी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। विरजी भारत के इतिहास का वो हीरो है जिसे हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन सही में वो भारत का एक बिजनेस लीजेंड था। भारत का इतिहास का वो अकेला व्यक्ति था जिसने अपने सामर्थ्य, समझ और दूरदर्शिता से अंग्रेज और मुगल दोनों को बिजनेस में बिना हथियार के हर जगह मात दी थी। विरजी ने भारत की आने वाली पीढ़ियों को ये बताया कि व्यक्ति में अगर साहस और नैतिकता हो तो दुनिया की किसी भी बुलंदी को छू सकता है। इंसान अगर चाहे तो किसी भी प्रतियोगी को आसानी से हरा सकता है। आधुनिक सूरत की तरफ से हम विरजी के ये जज्बे को सलाम करते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं।